अनलॉक की प्रक्रिया के बावजूद अब भी विवाह के लिए प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता पड़ रही है। विवाह में 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और इसके लिए अब तहसीलदार स्तर पर अनुमति की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके बाद मुंगेली अपर कलेक्टर कार्यालय में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अब तक इस अनुमति के लिए करीब 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 180 को अनुमति मिल चुकी है। यही कारण है कि प्रतिदिन तहसीलदार कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सभी की कोशिश है कि इसी मुहूर्त में विवाह संपन्न करा दिया जाए, क्योंकि अगला मुहूर्त इस साल के अंत में ही है। फिर भी लोगों को बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल रही है और वह भी सशर्त। जिन्हें अनुमति मिल रही है वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिले में शादियों के लेकर बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि शादी का ही मौसम है, तो इसलिए जो है लगातार हमारे आवेदन आ रहे हैं। और हमारे द्वारा जो भी शासन के प्रावधानों के अंतर्गत जो निर्देश दिए गए हैं, उसी में हम लोग जो है उनके आवेदन को स्वीकार करके परीक्षण उपरांत जो है उनको अनुमति दे रहे हैं। सर, आवेदनों को लेकर के भी लोगों में थोड़ी सी भीड़ भाड़ की जगह बन रही है तहसील में, और उसके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं हैं ऐसे कुछ? जो शादियां पहले से निर्धारित थी वो तो उन लोगों में तो ज़्यादा भीड़ नहीं हुई। वे आए, आवेदन दिए, बराबर उनको विधिवत जो है उनको परमिशन दिया गया। लेकिन कुछ अभी शादियाँ जो है वो जल्दी तय हुई हैं, उसके कारण लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ी है, भाग में भी और हमारे कलेक्ट्रेट में भी आ रही है। अभी रेड जोन होने से कंटेनमेंट एरिया भी यहाँ पे घोषित हुआ है कलेक्टर महोदय द्वारा, और उसके कारण जो है विवाह की स्थिति में हम लोग बहुत सूक्ष्मता से परीक्षण करके हम उनमें अनुमति दे रहे हैं। इस समय आवेदन भी काफ़ी आ रहे हैं और उनका परीक्षण करके विधिवत अगर वो अनुमति दिया जा सकता है तो उसमें हम लोग अनुमति देंगे, अन्यथा रेड जोन होने के कारण वो अनुमति बाधित भी हो सकती है।